बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने बेबाक अंदाज के लिए खूब जाने जाते हैं। बीते कुछ दिनों पहले वो एक्टर दिलीप कुमार पर दिए बयान को लेकर चर्चा में आ गए थे। दरअसल हाल ही में नसीरुद्दीन शाह ने दिलीप कुमार के लिए लिखे लेख में कहा, ये समझ से परे है कि ऐसे बेदाग शिल्प वाले एक्टर जिनकी उपस्थिति ही किसी फिल्म को ऊंचा उठाने के लिए काफी होती थी, जिसको एक प्रोजेक्ट के लिए केवल सिर हिलाना होता था, जिसे देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और जो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति था, उसने खुद के लिए सेफ गेम खेलना चुना। अपने इस लेख को लेकर अब नसीरुद्दीन शाह फिर से सुर्खियों में आ गए। दरअसल उन्होंने फिर से एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार पर लिखे लेख पर चर्चा की और कहा कि मुझे जो कहना था वो मैंने कहा। नसीरुद्दीन शाह ने अपने इंटरव्यू में बोला, जो भी दिलीप कुमार के लिए मेरे द्वारा लिखी गई बातों से नाराज है, उन्होंने पूरा ही आर्टिकल पढ़ा होगा और ये महसूस भी किया होगा कि उनकी एक्टिंग के लिए मेरी सराहना भी कम नहीं है, मेरी शिकायत का कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि लोगों का रिएक्शन उस जगह के लिए देखने को मिला जो मेरे लिए मायने नहीं रखती। नसीरुद्दीन शाह ने अपने बयान में आगे कहा, मैंने वही कहा जो मुझे कहना चाहिए था। अगर मेरा इससे कोई मतलब नहीं होता तो मैं ये बातें नहीं कहता। तो नसीरुद्दीन शाह की बात पर आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और डेली न्यूज को सब्सक्राइब करें।